पीओके से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि अभी अभी पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके में हमला कर दिया और इस हमले में पीओके में रहने वाले निर्दोष लोगों की भी जान गई है और जिस लक्ष्य से पाक आर्मी ने हमला किया था वह लक्ष्य भी लगभग अधूरा रह गया। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर आ रही इस खबर के आने के बाद से तुरंत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को समर्थन किया है और पीओके वाले मामले में ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएम मोदी अब पूरी दुनिया का समर्थन जुटाने पर लगे हुए हैं। बता दें आपको कि हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई जिसके मुताबिक यह बात क्लियर हुई कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी अपने यहाँ पर मौजूद टीपीपी की आर्मी को मारने के लिए पीओके पर हमला की। उसे अंदाज़ा था कि पीओके में कुछ जगहों पर आर्मी छुपे हुए हैं और उस पर हमला करने के बाद वहाँ पर कई लोगों की जान गई। और पाकिस्तान जब जब पीओके पर हमला करता है तब तक भारत आवाज़ जरूर उठाता है। ऐसे में जिस तरीके से G20 का सम्मेलन होने वाला है और G20 के ही कुछ देश पाकिस्तान के समर्थन में उतर रहे हैं, उनका कहना है कि कश्मीर में G20 का सम्मेलन नहीं होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम देश भारत के समर्थन में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के समर्थन में बोल चुका है कि कश्मीर में हो रहा G20 सम्मेलन वह जरूर अटेंड करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत के पीएम मोदी पूरी दुनिया का समर्थन कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर अपनी तरफ कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार अपनी औकात दिखाता है उसकी औकात ठिकाने लगाई जा सके।